हेलो गाइस, कैसे हो? मच कॉन वीडियो लेके तो गाइस आज मैं जा रहा हूँ मिलिट्री बेस में एक बार और भाई इस वाले गेम में इतने खतरनाक लचे से मतलब देखते जाना। मिलिट्री बेस में भाई थर्ड पार्टी होंगी, मतलब मजा आएगा तुम्हें तबाही वाला। और फिर और भी बहुत सारे क्लचेस है बाद में जाके, और बंदे तुमने देख लेंगे कितने सारे आ रहे हैं भाई। मतलब ऐसा लग रहा है 5-6 स्क्वाड को दी। अब इस वाले बंदे को मैं निपटाता हूँ जल्दी से और इसके टीममेट को भी खत्म कर देता हूँ। बेचारे यहाँ पे डुओ वर्सेस स्क्वाड खेल रहे थे लेकिन यहाँ पे उतरते ही खत्म। यहाँ पे कैसे एक बंदे के मेरे को फुटस्टेप्स आ रहे थे इस वाली बिल्डिंग से, तो मैं आता हूँ यहाँ पे चेक करने। अगर मेरे को पहले पता चल जाए ना बंदों पे शॉटगन है तो मैं एक्स्ट्रा सावधानी बरतूं कुछ, मतलब ऐसे ना घुसूं, क्योंकि अगर शॉटगन चिपकी खत्म, ना जिगल काम आएगा ना कुछ, चिपक गई तो चिपक गई। और एक बंदा दिखता है मेरे को सामने जिसको मैं नोक कर दूंगा, और उसका टीममेट है शायद से जो बोट स्कैम कर रहा है। इसको भी डैमेज दिया मैंने, बहुत ज्यादा दिया, बल्कि मतलब एक गोली और बैठ जाती ना तो गया था वो वाला बंदा भी। खैर मैं एक और को नोक कर देता हूँ यहाँ पे। और भाई फुटस्टेप से ऐसा लग रहा है मेरे ऊपर होने वाले रश, थर्ड बिल्डिंग वाले बंदे मेरे ऊपर रश मार रहे हैं यहाँ पे। अभी ये वाले बंदे के लिए मैं रेडी था, जैसे भाई गेट खुलता मैं फ्री फायर देता हूँ, बंदे को काफी डैमेज पड़ता है, फिर तो जाकर भाई खत्म ही कर देता हूँ मैं। और एक और बंदे के मेरे को जंप लगाने की साउंड आते हैं थर्ड वाली बिल्डिंग से, तो मेरे को लगा वो भी रश मारेगा, तो थोड़ी देर में वेट करता हूँ। लेकिन रश तो बंदा मारता है लेकिन सामने ब्रोकन वॉल के पीछे जाके खड़ा हो चुका है। मतलब बेचारा छत पे चढ़ता है पहले दूसरी तरफ से, ठीक है, फिर इधर की तरफ आता है, फिर ब्रोकन वॉल पे आके खड़ा हो जाता है। तो इसलिए मैं इधर की तरफ आता हूँ। और अब देखो बस एक लाइक मार दो भाई इस वाली फ्री फायर के लिए। मतलब जैसे मैंने फ्री फायर दी ना वैसे ही बंदा झाका, मतलब बिल्कुल राइट टाइम पे झाका बंदा। और उसकी हेल्थ भी शायद से कम थी पहले से, क्योंकि भाई इतना कम गोली में कैसे मर गया, नहीं तो। खैर यहाँ पे गाइस मैं लूटता हूँ भाई दबा के। एक बंदे के फुटस्टेप्स आने लगे थे मेरे को इस वाली बिल्डिंग से अगेन। मैं यहाँ पे आता हूँ इस वाले कमरे में टीपीपी लेने के लिए, और भाई सामने से बंदा हल्की सी फ्री फायर देने की कोशिश करता है, तो मैं सोचता हूँ पहले नेड फेंक दूँ बंदा उस गेट के आसपास है शायद से। लेकिन भाई नेड छत में लग जाता और कुछ नहीं होना था खैर इससे। तो बंदा अगेन फ्री फायर देने की कोशिश करता है और भाई इस बार मैं नेड फेंकने वाला हूँ, वो भी काफी तकड़े वाला। बंदे को डैमेज दिया वो अलग, मैंने सोचो बंदे पे क्या बीत दिया होगा, उसके बिल्कुल पास में नेड रखा है। और जहां तक भी बंदा उस पर घूर भी रहा था नेड की तरफ, क्योंकि मेरे को लग रहा था भाई देखने से तो ऐसा, क्योंकि भाई अगर बंदा वहां से हिलता ना तो भाई मैं निपटा देता, क्योंकि भाई पहले से मैंने हेल्थ लो कर रखी थी उसकी। अब यहाँ पे कैसे बंदे ढूंढने के लिए इधर की तरफ आया था लेकिन यहाँ तो कोई मिलता नहीं है। लेकिन वापस जाते टाइम मेरे को यहाँ पे बंदा दिख जाता है जिसको मैं डैमेज देता हूँ काफी। मैंने सोचा था भाई क्राउच करके मतलब शूटिंग करूंगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी, लेकिन यहाँ पे ये दीवार चिट जाती है ब्रोकन वॉल टाइप, और भाई दिक्कत हो जाती है यहाँ पे, कई गोलियां इसमें लग जाती है, नहीं तो भाई बंदा नोक हो जाता। और कोई पीछे से फायरिंग कर रहा था, मेरे को लगा भाई बोट है, मैं इग्नोर करता हूँ, लेकिन बोट तो भाई किसी एंगल से नहीं था ये। अब मेरे को ये सोचना था कि भाई वो अलग ही स्क्वाड है या फिर इसके बंदे मतलब फैला रखे हैं अपनी इस वाली स्क्वाड के, जिसका बंदा मेरे को वहां पे दिखा था सामने। तो पहले गाइस मैं सोचा था भाई इस वाले बंदे को निपटा दिया जाए, तो मैं भाई जल्दी से भागता हूँ पुलिस स्टेशन में, क्योंकि यहां से मैं सोचा था भाई एंगल वेंगल मिल जाएगा मेरे को बंदे पे, निपटा दूंगा मैं। लेकिन मैं काफी देर देखता हूँ भाई मिलता ही नहीं बंदा, तो फिर गाइस मैं इसको छोड़ के उस पर रश मारता हूँ जो मैंने पहले वहां पे मतलब जिसको डैमेज दिया था। यहाँ पे आते फायरिंग करने की साउंड, और ये प्राणी पता नहीं भाई कहाँ पे फायरिंग कर रहा था, मेरे को बिल्कुल नहीं पता। खैर यहाँ पे इतना पता है इस वाले बंदे को मैं नोक कर देता हूँ, काफी तगड़ा एंगल देता बंदे ने मेरे को। और अब गाइस मेरा प्लान था इस बंदे पे मोली फेंक दो जिससे कि खत्म हो जाए, लेकिन वैसे तुमने देखा होगा मोली मतलब ऐसी फैलती है जिससे कुछ हद नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखो भाई मतलब उसके अंदर कैद सी होगी, जैसे कुछ रोक रहा हो इसे, मतलब भूतिया शक्ति। ये तो भाई रश मारने के मूड में। यहाँ पे गाइस अगर मैं उठ के नहीं मारता ना लेटर रहता कि भाई बंदा आएगा जब निपटाऊंगा, मैं मरता गारंटीड, क्योंकि जब तुम लेटर रहते हो ना भाई कोई तुम्हारे सर पे चढ़ जाए बिल्कुल तो मूवमेंट ही नहीं कर पाओगे। सामने एक और बंदे के फुटस्टेप्स आए थे, बंदा दिख भी चुका था मेरे को, फायरिंग देने की कोशिश करता हूँ मैं लेकिन बच जाता है बंदा। फिर मैं जाने की सोचता हूँ उसकी तरफ ही, लेकिन बिल्कुल सीधा नहीं, थोड़ा साइड से। यहाँ पे दो बंदे थे, अभी यार इन दोनों को भी निपटाता हूँ मैं फटाफट, यहाँ पे इन दोनों को खत्म भी कर देता हूँ मैं पूरा। पीछे से आते हैं यार बोट फायरिंग की साउंड, लेकिन अगेन मेरे को भाई शक था कि भाई बोट के भेस में कई बार बंदे भी होते हैं, वो भी बहुत ही पीरो वाले। तो यहाँ पे गाइस मैं लूट फूट कर रहा था मजे में, इतने में सामने एक बंदा दिखता जो कि ट्रैक्टर से लपेटने के मूड में था मेरे को, लेकिन इसको मैं नोक कर देता हूँ और इसे गाइस मैं पूरा खत्म कर देता हूँ। इसका टीममेट भी दिखा था मेरे को जो कि साइड से में चला गया था, और फिर मेरे को दिखता ही नहीं, तो मैं सोचता हूँ कि भाई मतलब ध्यान रखेंगे उसका हल्का फुल्का, लेकिन थोड़ी लूट कर रहा था मैं इधर। लेकिन साइड से आते फुटस्टेप,
और शायद से ये वही बंदा है। तो मैं सोचता हूँ इस वाले बंदे पर नेड फेंकूंगा कुछ करके, बहुत प्यारा। लेकिन मैंने बिल्कुल नहीं सोचे थे बंदे को एंगल मिल जाएगा यहाँ पे, और बस मैं नेड ऐसे ही फेंक देता हूँ भाई जल्दबाजी में, क्योंकि नेड अगर मैं ज्यादा कुक करता तो मेरे हाथ में पड़ जाता। बंदा मूली फेंकता है, सामने से एक और बंदे के फुटस्टेप्स आते हैं। सुनो क्या फालतू, पता नहीं भाई बंदा क्या ही बोल रहा था मेरे को, तो सिर्फ क्या फालतू समझ में आई, उसके बाद क्या बोला वो नहीं समझ में आई। खैर यहाँ पे इस बोट ने अपना पूरा काम करा यहाँ पे बखूबी, मतलब बंदों को कंफ्यूज करा, तो अब इसे टाटा बाय बाय बोलते हैं। वहां से गाइस मैं निकलता हूँ, यहाँ पे एक गाड़ी खड़ी थी, मैं चेक कर रहा था शेल्टर पे, और एक बग्घी भी आ जाती है। अब बंदे को मैं उतार देता हूँ, यहाँ पे एक ही बचा जो कि भाग रहा है, लेकिन मैं नहीं चाह रहा था बंदा भागे, और बंदा भागता भी नहीं भाई, रुक जाता है। तो ये काफी अच्छा टीममेट है यार, ऐसा टीममेट सबको मिले। तो यहाँ पे कहते फटाफट बग्गी उठाता हूँ, फिर जाकर रश मारते बंदे पे। बंदा हल्की से फायरिंग देने की कोशिश करता है, और मेरे को पता थी ये बात, इसलिए मैं थोड़ा टेढ़ी सी कर लेता हूँ अपनी बग्गी, सीधी बग्गी में, क्योंकि बहुत बुरी तरह निपटते हैं। और ये क्या जल्दबाजी करी भाई, मतलब जरूरी थी ये चीज, आधी हल चली गई मेरी। मैं नेट फेंकने की सोचता हूँ, लेकिन मैं कैसे भूल गया था, बंदा नहीं सोचेगा फेंक देता भाई वो भी, और यहाँ पे रिस्क थी, लेकिन क्या ही कर सकते हैं, कम से कम यहाँ पे एक चांस तो था, वहाँ पे तो मैं गारंटी नेट से फटता। तो यहाँ पे गाइस मैं इस वाले बंदे को भी खत्म कर देता हूँ भाई, ये भी डायरेक्ट नहीं जाता, लेकिन तो इसके टीममेट्स हो सकते हैं यहाँ पे आसपास। मैं यहाँ पे हीलिंग कर रहा था, सामने मेरे को बंदा दिख रहा था वो जो मैंने नोक करा था पहले, तो भाई इसको खत्म कर देंगे, इसको भाई जल्दी से मुक्ति देते हैं, और गाइस फिर निकलते इधर से। तो शेल्टर से मैं निकलने की सोचता हूँ, लेकिन यहाँ पे साइड में ड्रॉप फेंक दी थी पबजी वालों ने, तो मैंने सोचा भाई जाते जाते मतलब एक बार चेक कर लेंगे। एक गाड़ी दिख जाती है मेरे को, जो कि इस ड्रॉप के चक्कर में आ रही है। मेरे को नहीं पता था कितने बंदे होंगे, दो तो कम से कम है। मैं सोचता हूँ यहाँ पे उतर के निपटाऊंगा, पता नहीं भाई कैसे एंगल मिला। अब यहाँ पे कैसे एक बंदे को मैं पूरा खत्म कर देता हूँ, एक और के फुटस्टेप्स आ रहे थे मेरे को सामने से, एक हेड बैठ जाते हैं उस पर, और फिर भाई जंप एंड शूट के साथ मैं इसे खत्म ही कर देता हूँ, जो कि डायरेक्ट जाता है। तो हो सकता है वो दो बंदे इनके टीममेट हो, क्योंकि भाई वो दोनों डायरेक्ट नहीं जाते, और फिर ये डायरेक्ट जाता है, तो हो सकता है शायद से उसके टीममेट हो, मतलब वो जो दो मारे थे मैंने वहाँ बग्गी वाले। तो फिर गाइस मैं हीलिंग करता हूँ, वहाँ से निकलता हूँ, और भाई आ रहा था मैं अपार्टमेंट की तरफ। यहाँ पे एक गाड़ी खड़ी थी इधर डासिया, और भाई ये गाड़ी मेरे को यहाँ पे ग्लिच हुई थी, और ज्यादातर बंदे यही प्रेफर करते हैं कि इस वाले अपार्टमेंट में कैंप मारे। तो मैं आगे ठोकता हूँ गाड़ी, मेरे को फुटस्टेप्स आने लगे थे। अब यहाँ पे गाइस चल रही थी कैंपिंग, दो बंदों के तो फुटस्टेप्स आ रहे थे मेरे को, तो बस देखो कैसे निपटाते हैं। अब यार प्लान तो मेरा MK14 वाले को भी लपेटने का था साथ में, लेकिन वो भग जाता है, ये आता भाई इसको पूरा खत्म कर देता हूँ मैं। MK14 वाला मेरे को साउंड आ रही है कि भाई पहले M4 रिलोड करता है, फिर अपनी MK14 रिलोड करता है। मैं इतने हीलिंग मार लेता हूँ, और मारते हैं भालू को, और भाई निपटाए थे इस वाले बंदे को भी। एक और बंदे के मेरे को फुटस्टेप्स आते हैं, जो कि भाई सच में ऐसे लग रहा था जैसे कि बोट हो, लेकिन अगेन गाइस पूरा विश्वास नहीं होना चाहिए तो मैं कभी भी कि भाई ये बोट है या बंदा, क्योंकि कई बार मेरे साथ ऐसे सीन हो गया कि भाई मैं सोचता हूँ बोट है लेकिन बंदा निकलता है वो। नहीं भैया वैसे करना क्या चाह रहे थे, मतलब भाई थोड़ी फायरिंग वायरिंग भी करनी पड़ती है, मतलब यहाँ पे पबजी में जीतने के लिए। बंदा सोचता था कि भाई सिर्फ कैंपिंग से ही काम चल जाएगा। खैर यहाँ पे गाइस मैं यसनाई की तरफ आया था, क्योंकि भाई जोन इधर की तरफ ही बन चुकी थी। मेरे को बंदे दिख चुके थे इस वाली बिल्डिंग के ऊपर, मेरा प्लान था गाड़ी अंदर घुसा दूंगा, लेकिन यहाँ पे फंस जाते हैं भाई, और यहाँ पे दिक्कत हो जाती है। खैर ये बंदा काफी अच्छा मौका देता है मेरे को, इसको मैं नोक कर देता हूँ। और यहाँ पे गाइस दिखाने वाला हूँ एनिमी की फ्री फायर, और एक बहुत ही तगड़ी मिस्टेक जो कि नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पे गाइस मैं रश मारने की सोचता हूँ बंदों पे, लेकिन अभी वाला बंदा प्री फायर देता है, ठीक है मैं साइड में हो गया था, मेरे को लगा था बंदा प्री फायर रोक देगा, इतना मैं मतलब फायरिंग करूंगा उस पे, लेकिन वो प्री फायर रोकता नहीं है, वो देता ही रहता है, और ये दिक्कत हो जाती है तकड़े वाली। तो इसलिए भाई ज्यादा जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, और प्री फायर के सामने कभी फायरिंग नहीं करनी चाहिए। तो गाइस आज की वीडियो में अगर आपको वीडियो पसंद आए तो भाई लाइक मार दो, सब्सक्राइब कर लो अगर नए इस वाले चैनल पे। मैं लूंगा सबसे नेक्स्ट वाली वीडियो में, बाय।